तो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और साथ में डिस्कस करेंगे वारी टेक। आप लोग देखो, वारी टेक्नोलॉजी और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी दोनों के दोनों वारी ग्रुप की कंपनियां, एक है वारी एनर्जी जो अभी लिस्ट नहीं हुई है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में भी आज हमें फिर LC देखने को मिला है, हल्का फुल्का आपको जो है ये अप एंड डाउन करते हुए नजर आ रहा है अभी के टाइम। ठीक है, अच्छी बात है। देखो अगर ये LC खुल जाता आज के दिन तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बिकॉज आज 10 मई है और इसके क्वार्टर फोर के नंबर आने, सही ना। तो क्वार्टर फोर के नंबर आएंगे, क्वार्टर फोर से पहले आप लोग देखोगे स्टॉक में अप एंड डाउन के मूवमेंट बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक ये LC के अंदर लॉक हो जाता है तो वो एक बुरा संकेत ही होगा, क्योंकि भाई देखो रिजल्ट से पहले अगर दो दिन तो पहले होगी स्टॉक में LC लगते हुए, और अगर आज भी LC में स्टॉक रहता है सारा दिन तो वो स्टॉक के ऊपर जो ना भी थोड़ा बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है। बिकॉज देखो रिजल्ट अगर अच्छे आए उस कंडीशन में स्टॉक में तेज़ी बन सकती है, और मान लो भी अगर रिजल्ट्स ख़राब आ गए, छोटी सी बात सोच के चलिए, अगर रिजल्ट खराब आ जाते हैं, ठीक है, पीछे के मुकाबले खराब आ गए, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले खराब आ गए, तो उस कंडीशन में स्टॉक में होगी गिरावट। और पहले से ही अगर LC में होगा तो वहाँ पर ओवर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और देखो LC के अंदर अगर पहले से तो वहाँ पर अपने शेयर सेल भी नहीं होंगे। अगर स्टॉक अप एंड डाउन कर रहा होगा, ऊपर में होगा, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट का पता चलता है अभी कैसे आए हैं, तो उस सिचुएशन में हम जो ना भी अपनी जो भी होल्डिंग हो एग्जिट करने में या फिर होल्डिंग लेने में, ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा आते तो होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर रिजल्ट खराब आते तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो ना भी सेल नहीं कर पाओगे, मेन बात ये है। तो यहाँ पर ये LC का खुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लोग देखो थोड़ा बहुत मोमेंटम स्टॉक में बन रहा है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर स्टॉक में LC ही लग जाता है, तो यहाँ पर स्टॉक के ऊपर अभी सेलिंग प्रेशर है भाई। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे जब से रिजल्ट आए हैं वारी टेक्नोलॉजी है, ये नॉन स्टॉप टूट रहे हैं नॉन स्टॉप। और दूसरी तरफ आप लोग देखो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर भी आई है भाई, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो न्यूज़ जो हमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आते हुए नज़र आई है, और फिर डिस्कस करेंगे भी इसमें आज कैसे क्या माहौल बन सकते हैं। रिजल्ट से पहले देखो भाई, यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ LC खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और LC कब खुलेगा, जब जितने भी भाई देखो यहाँ पर इसके अंदर फंसे हुए हैं LC के अंदर, या फिर आप लोग स्टॉक में खरीदारी आपने की हुई है, तो यहाँ पर अपना जो भी आपने सेलिंग का ऑर्डर लगाया हुआ ये हटाना पड़ेगा, और सेलिंग ऑर्डर हटेंगे तभी आप लोग देखोगे स्टॉक में मोमेंटम बन सकते हैं, अदरवाइज ये LC का नाम ही नहीं अभी खुलने का। नॉन स्टॉप जैसे वारी टेक्नोलॉजी टूट रहा है ना, अभी इसी प्रकार से ये भी टूटेगा फिर, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना ही सही था, इसलिए मैंने पीछे भी आपको बोला था भाई। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं जो खबर आई है वो क्या आखिरकार। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने कल देर रात को एक नोटिस पब्लिश किया है, ठीक है, और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया, यहाँ पर देखोगे इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन ऑफ दी सेबी रेगुलेशन 2015 क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग को लेकर आप लोग देखोगे ये अपडेट हमें देखने को मिली है, कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग मिली है, और रेटिंग क्यों दी जाती है भी, तो एक रेटिंग इसलिए दी जाती है कंपनी की गारंटी समझो एक प्रकार की है, ठीक है, भी कंपनी जो ना भी बैंकों से इतना लोन उठा सकती है, इतना फंड ले सकती है, ये उसी के ऊपर बेस है भाई, ठीक। तो अब की बार आप लोग देखोगे जो भी इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी इसको ये रेटिंग मिली है ना, शॉर्ट टर्म आप लोग देखोगे, लॉन्ग टर्म आप लोग लॉन्ग टर्म क्या है, इसकी लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है वो है केयर ए स्टेबल इसको रखा गया है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो केयर A2 यानी कि AA जो होती है वो इसको यहाँ पर मिली है, और इससे आप लोग बैंकिंग फैसिलिटी जो इसको मिल सकती है लगभग 761 करोड़ रुपए तक आप लोग देखोगे बैंकों से उठा सकती है ये कंपनी, ठीक है, अगर इसको जरूरत पड़ती है तो ये होगी। और उसके बाद आप लोग इसके जो है डिटेल में यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है, ये इसको मिलते हुए नजर आइए 761 जो करोड़ रुपये है वो इतना ये जो ना भी इन बैंकों से ले सकती है, और बैंक कौन कौन से हैं चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा बैंक कितना इसको अमाउंट दे सकता है भाई। तो ये देखो ICICI बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, HDFC फेडरल, तो ये सभी आपको जो ना यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लेना भी किसको किस बैंक से कितना जो ना ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट है, देखो ये कंपनी लिए तो पॉजिटिव ही होती है भी, अच्छी बात है, रेटिंग के रेटिंग जो इसकी है वो स्टेबल रखेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं भाई इसमें आगे क्या कुछ माहौल बन सकता है, रिजल्ट्स के ऊपर भी नज़र डालते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देखो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के जो पीछे के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी शानदार थे भाई। कंपनी ने 342% से आप लोग रिवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, ठीक है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 146% के आसपास ही दिखाई थी प्रीवियस क्वार्टर की बात है, दिसंबर क्वार्टर की, और वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी रिवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला था भाई। और प्रीवियस मार्च क्वार्टर में जो इसका रिवेन्यू रहा था वो 60 करोड़ के आसपास है। अगर आप लोग देखोगे भी 60 करोड़ के ऊपर में इसका रिवेन्यू आता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ईयर टू ईयर आप लोगों के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। लेकिन ईयर के साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी शानदार आते हैं तो भी स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा असर रहेगा। अदरवाइज अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रिजल्ट अच्छे आते हैं, एक बीच में नेगेटिव चीज़ बन जाती है, तो उससे आपने देखा होगा KPI ग्रीन एनर्जी में कैसा हाल हुआ था। ईयर टू ईयर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर खराब आए तो वो भी स्टॉक ऊपर से टूटा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है, जिस प्रकार से पीछे का इसका जो प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से आप लोग देखो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो जनरेट अच्छा जंप हुआ है। उसके बाद जो प्रॉफिट्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह भी आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव है। और वहीं अगर बात की जाए भाई इसके नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी आप लोग देखोगे पिछले सभी क्वार्टरों से हमें जो अभी इंक्रीजिंग ही देखने को मिल रही हैं। ऐसा बीच में माहौल न बन जाए जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और ऐसा माहौल न बन जाए जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। अगर ऐसा माहौल बनता तो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर रहेगा, यानी कि इस क्वार्टर में कम हो गया, प्रीवियस क्वार्टर में ज़्यादा था और इससे पीछे के क्वार्टर में ज़्यादा था, और अभी का जो क्वार्टर है वो डाउन गया, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा दबाव स्टॉक के ऊपर बढ़ सकता है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ से अगर LC हटेगा ना तभी बेनिफिट्स होंगे, और जैसे रिजल्ट आएंगे सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।